16 अक्टूबर 2020 को फ्रांस में सैमुअल पेटी एक स्कूल टीचर का मर्डर हो जाता है। क्यों? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बच्चों को प्रॉफिट मोहम्मद का एक कार्टून डिपिक्शन दिखा रहे थे वो। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ये वही मुद्दा है जो कुछ टाइम पहले 2015 में पेरिस में हुआ, फिर नीस में हुआ, फिर दिल्ली में हुआ, फिर बेंगलुरु में हुआ और अब वियना में भी हो गया। आप सही समझे दोस्तों, हम रेडिकल इस्लामिक आउटरेज पे बात करने जा रहे हैं। 16 अक्टूबर के बाद कुछ मल्टीपल अटैक्स हुए चार्ली हेब्डो के ऑफिस के बाहर। चार्ली हेब्डो वही मैगजीन कम कार्टूनिस्ट है जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद का एक कार्टून बनाया था। ये वही कार्टून था जो सैमुअल पेटी ने क्लास में 16 अक्टूबर को दिखाया था, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। इन सब के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रॉन ने इन्हीं टीचर को लीगन ऑफ ऑनर दिया, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये कहा गया कि ये अटैक डेमोक्रेसी और सेक्युलर सोच पे है फ्रांस की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्रांस दुनिया का उन सबसे पहले देशों में है जिन्होंने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करी थी अपने देश में, और फ्रांस के कुछ पार्ट्स में आप ओपनली किसी भी रिलीजन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। बेंगलुरु में भी आज से कुछ समय पहले यही हुआ था, जब प्रॉफिट मोहम्मद की एक फेसबुक पोस्ट के ऊपर काफी बवाल कर दिया गया था मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा। दिल्ली में फरवरी में क्या हुआ, इससे आप और मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हैं दोस्तों। अब इन सब के बाद 29 अक्टूबर को फ्रांस में नीस शहर में 21 साल के लड़के ने चर्च में 3 लोगों को मार डाला, अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए। और अब बारी आती है वियना की। वियना में लॉकडाउन होने से एक रात पहले रेडिकल इस्लामिस्ट गनमैन ने लोगों पे गोलियां चला दी। वियना पुलिस का कहना है कि ये 20 साल की उम्र का लड़का 2019 में आईएस जिहादीज के साथ लिंक में पकड़ा गया था। ये तो हो गई प्रॉब्लम्स पर बात, पर इन सब के बाद सवाल ये उठता है कि कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कहाँ है। जब ऐसे अटैक्स और रायट्स इंडिया, पाकिस्तान या अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज में होते हैं तो कहा जाता है कि लिटरेसी रेट बहुत कम है, लोग अनपढ़ हैं, आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। पर नीस, पेरिस, वियना, स्वीडन, इन सब कंट्रीज का लिटरेसी रेट 99% से ज़्यादा है। परेशानी कहीं ना कहीं रिलीजियस टीचिंग में है, ये कहना गलत नहीं होगा। रिलीजियस टीचिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी धर्म में प्रॉब्लम है। ये कहा जाता है कि इस्लाम में इंफॉर्मेशन को बहुत ही ज्यादा मिसलीड करके उनके फॉलोअर्स तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे उनके मन में कट्टरवाद की भावना पैदा हो रही है। अगर रीसेंट ट्रेंड की बात करें हिंदुस्तान में, तो हिंदुइज्म पे काफी सारे स्टैंड अप कॉमेडीज किए जाते हैं, पर प्रॉफिट मोहम्मद के एक छोटे से पोस्ट पे क्या हुआ था बेंगलुरु में, ये हम सबको पता है। अब इन सब के बाद वर्ल्ड लीडर्स जैसे ट्रंप, बेंजामिन, पीएम मोदी, यूके प्रेसिडेंट जॉन और बड़ी बड़ी कंट्रीज के लोगों ने ये आश्वासन जताया कि टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ने में पूरी दुनिया एकजुट है, और अब देखना ये है कि ये सब कहां तक जाता है। आपके इस पे क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले शो में।